तो क्या देश में नोटबंदी के बाद जैसे हालात हो गए हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत कई राज्यों के एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतार दिख रही है। कई एटीएम के बाहर नो कैश का बोर्ड भी लग चुका है। वित्त मंत्री अरुण जेटली कह रहे हैं कि बैंकों में पर्याप्त पैसा है, जबकि राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पे तीखा हमला बोलते हुए ये तक कह दिया है कि पीएम मोदी ने बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। नमस्कार, मैं हूँ भारती द्विवेदी और आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज़.इन। आइए देखते हैं एटीएम कैश क्रंच में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है। बिहार की राजधानी पटना के कई एटीएम के बाहर आउट ऑफ सर्विस का बोर्ड लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 3 दिन से ये समस्या बनी हुई है। वहीं गुजरात में भी लोगों ने पैसे को लेकर शिकायत की है। वहां के भी अधिकांश एटीएम आउट ऑफ सर्विस हैं। देश की राजधानी में भी लोग कैश क्रंच की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हर जगह से कंप्लेन मिलने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस मामले पर ट्वीट किया है। उनका कहना है कि उन्होंने पूरे मामले की समीक्षा की है और बैंकों में पर्याप्त पैसा है। देश के कुछ हिस्सों में पैसे को लेकर अचानक आई कमी से जल्द ही निपटने की कोशिश की जा रही है। वही वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा है कि हमारे पास अभी नगद रुपए 1,25,000 करोड़ है। एक समस्या ये है कि कुछ राज्यों में नगद कम है और कुछ राज्यों में ज्यादा। सरकार और RBI दोनों ने ही राज्यवार कमेटी का गठन कर लिया है ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में नगद लाया जा सके। ये होने में 3 दिन का समय लगेगा। कैश क्रंच पर RBI की तरफ से भी सफाई आ गई है। RBI ने कहा है कि देश में पैसों का कोई संकट नहीं है, बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में कैश मौजूद है। सिर्फ कुछ ATM में ही लॉजिस्टिक समस्या के कारण ऐसा हो रहा है। SBI चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा है, कुछ क्षेत्रों में अचानक मांग बढ़ने से दिक्कत हुई है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कैश है, हम उन क्षेत्रों में पैसा भेज रहे हैं। अगर दूसरे बैंक में कैश है और SBI को जरूरत है तो वो भी पूरा करने में लगे हैं। कैश खत्म होने के पीछे कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तर्क ये दिया जा रहा है कि त्योहारों का सीजन था जिसकी वजह से लोगों ने पैसे निकाले हैं और इसकी वजह से पैसे खत्म हुए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI के सूत्रों का कहना है कि जब एक राज्य में पैसों की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे राज्य में आपूर्ति थोड़ी कम कर दी जाती है। वही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नए नोट को संभाल कर रखने की वजह से ये समस्या हुई है। 2500 के बाद RBI ने 250 रुपये के नोट भी जारी किए थे। नए नोट जारी तो हो गए हैं लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है, जिसकी वजह से लोग इन्हें खर्च नहीं कर रहे हैं और संभाल कर रखते हैं। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि पैसा काफ़ी है। वित्त राज्य मंत्री कह रहे हैं 2-3 दिन दिक्कत रहेगी। RBI कह रहा है पर्याप्त पैसा है। SBI कह रहा है अगले हफ्ते तक हालात सामान्य हो जाएंगे। कैश क्रंच पे राहुल गांधी ने भी बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जी ने देश की बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया, लेकिन पीएम मोदी ने एक शब्द तक नहीं कहा। पीएम मोदी लोकसभा में खड़े होने से डरते हैं। लोकसभा में हमें 15 मिनट का भाषण मिल जाए तो पीएम मोदी खड़े नहीं हो पाएंगे, चाहे वो राफेल मामला हो या नीरव मोदी का मामला हो। जिस तरह से मीडिया में खबर आने के बाद RBI, वित्त मंत्रालय, SBI जगे हैं, उससे साफ है कि ATM में पैसे की किल्लत तो है। अब असल सवाल ये है कि ये किल्लत कब खत्म होगी और आम जनता को इससे कब राहत मिलेगी। मेरे सहयोगी वकार अहमद के साथ मैं भारती द्विवेदी, लोकमत न्यूज़.इन।